रघुनाथ दास गोस्वामी और वैसे मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में भी कहना चाहूँगा कहीं कुछ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ये 10 गांव के मालिक, दो भाई थे उनके पुत्र थे, गोवर्धन मजमूनदार के पुत्र थे, गोवर्धन मजमूनदार और उनके भाई का नाम था हिरण्या मजमूनदार। थैंक यू। दोनों भाई के बीच में एक ही एकलौता बेटा था गोवर्धन मजमूनदार का, और ये बहुत धनी थे दोनों भाई, और दानवीर भी थे, भक्त भी थे, और इनके अट्टाली बोलते हैं अट्टालियां, बड़े बड़े महल थे, और महल के 3 दरवाजे थे, गोवर्धन मजमूनदार के महल के 3 अट्टालियां, अट्टाली का 3 दरवाजे थे। तो बचपन में रघुनाथ कौन से दरवाजे से बाहर निकलेगा क्या पता, तो तीनों दरवाजे पे पालकी खड़ी रहती थी और सारे कितने सिपाही उनकी रक्षा के लिए, इतना बड़ा वैभव, इतना वैभव था। तो उनके महल के नजदीक ही दो उनके राजगुरु रहते थे, तो वहाँ रघुनाथ जाया करते थे। तो एक दिन हरिदास ठाकुर भी वहाँ आते हैं, तो हरिदास ठाकुर का उनको संग होता है और इन संग से उनका हृदय परिवर्तन होता है हरिदास ठाकुर के संग से, और तब से विरक्त की तरह वो रहने लगे बचपन से ही। तो बचपन में सुना कि चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के यहाँ शांतिपुर आ रहे हैं, तो जो उनके दो गुरु थे उनका नाम बलराम आचार्य, इसने तो सुना बलराम आचार्य और ये सब वहाँ जा रहे थे, तो रघुनाथ ने हट पकड़ी कि मैं भी जाऊँगा। तो शांतिपुर बड़े सिल्क और धन धान्य फल फूल बड़े ठाट बाज से सिपाहियों के साथ रघुनाथ को उनके पिताजी भेज देते हैं। तो बोले थे कि इतने दिनों में वापस आना, तो 2-3-4 दिनों में वापस आना। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो शांतिपुर में भीड़ भाड़ लगी है, मेला लगा है और उत्सव हो रहा है। तो जब रघुनाथ दास आए, रघु उन वक्त छोटे से बालक थे, तो रघुनाथ आए तो चैतन्य महाप्रभु को उनका परिचय दिया गया, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत उनको गले लगा लेते हैं और उनके सर पर प्रणाम करते हैं, तो उनके सर पर अपना पांव रखते आशीर्वाद देते हैं। तो रघुनाथ इतना चैतन्य महाप्रभु के आकृष्ट हो गए कि घर जाना ही नहीं चाहते। तो उत्सव बड़ा सुंदर हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु का आकर्षण सबको हो रहा है। तो कई दिनों के बाद, 6-7 दिनों के बाद मजमूनदार फैमिली से कई सिपाही आए उनको लेने के लिए, तो वो भी वहाँ कैप्टिवेटेड हो गए, वहाँ उत्सव में बहुत आकर्षण उनको आया। तो दूसरे भेजे, तीसरे भेजे, बाद में खुद आए, तो खुद भी चैतन्य महाप्रभु को आकर्षित हो गए, बाद में रघुनाथ को लेके वापस जाते हैं। तो वैसे ही रघुनाथ को बहुत वैराग्य प्रदान था, तो अभी शादी होती है कि बाद में, जो भी हो, उनकी एक सुंदर अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री लड़की के साथ उनकी शादी करवाते हैं, उनको माया जाल में डालने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो बाद में नित्यानंद प्रभु चूड़ा फेस्टिवल उनसे करवाते हैं, क्या नाम है उनके उन जगह का, पानीहाटी। तो पानीहाटी नित्यानंद प्रभु आते हैं, तो पानीहाटी में रघुनाथ भी जाते हैं, तो आगे से रघुनाथ को देखते हुए नित्यानंद कहते हैं, चिल्लाते हो, चोर, तू बड़ा चोर है, ऐसा सब कुछ नित्यानंद उनको बोलते हैं, इधर आ, और इनको नज़दीक बुला के उनके सर पर पांव रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और बाद में कहते हैं कि आप इन पानीहाटी उत्सव में सबको चिवड़ा खिलाओ। तो उन्हें
चिड़ा का फेस्टिवल, पानीहाटी फेस्टिवल मनाते हैं गंगा नदी के किनारे, और कहीं ये चिड़ा में गुड़ डालते हैं, कहीं में दूध, कहीं में दही, कहीं में थोड़ा घी, और ये वो अलग अलग किस्म के ये चिड़ा बनाते हैं, और नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों को खिलाते हैं। इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु का आकाश में, अंतरिक्ष में आविर्भाव होता है, और नित्यानंद प्रभु के साथ वो भी खुद चिड़ा फेस्टिवल मनाते हैं। वैसे उनको नित्यानंद का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और बाद में वापस आते हैं। तो कहानी में है कि उनके पिताजी मुस्लिम राजा को कर, जो भी 10 गांव की आमदनी आती थी, उन जमाने में 20 लाख रुपये बहुत होते थे, तो उसमें से कुछ हेरा फेरी का कुछ इल्ज़ाम लग गया उनके माता, उनके पिता पर, और उनके अंकल चाचा पर। तो वो लोग कहीं छुप गए, भाग गए, तो रघुनाथ को पकड़ के राजा जेल में डालता है। तो बाद में कई दिनों के बाद रघुनाथ जी को, रघुनाथ ये राजा को उनकी प्रशंसा करते हैं, श्लाघा करते हैं कि आप तो मेरे अंकल हो, मेरे पिता के आप बहुत घनिष्ठ मित्र हो, वगैरह वगैरह। उनको बहुत अच्छी वाणी से उनको खुश कर देते हैं, तो उनको छोड़ देते हैं और कर भी माफ़ कर देते हैं। तो ऐसे चतुर थे। और बलराम आचार्य नाम था वो। बलराम आचार्य से संस्कृत तो सीखे ही थे। तो ये रघुनाथ दास आगे जाते हुए अपने महल से निकल के जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं, तो बहुत प्रयत्न से रघुनाथ दास को माता पिता सब अपने घर रख नहीं पाए, और एक बार अवसर देखे रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ से निकल के पुरी चले जाते हैं। तो बाद में पता चला कि पुरी चले गए हैं, तो वापस आने का कोई संभावना नहीं थी। तो मजमूदार फैमिली उनको हर महीने बहुत बड़ी संख्या में धन धान्य, फल फूल, सब कुछ, कपड़े, सब कुछ बेचते रहते थे हर महीना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़ा उत्सव मनाते थे, और ये सब फीस्ट, और सब भक्तों को खिलाते थे। लेकिन उनको हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर के इंचार्ज में रखा था, तो स्वरूप रघु ऐसा नाम उनको पड़ा था। तो वैराग्य की तीव्रता बहुत थी। तो रघुनाथ जी कहते हैं कि विषय अन्न खाई ले दुष्ट है मन। मैं माता पिता, आई मीन उनके पिता अंकल कोई विषय नहीं थे, लेकिन फिर भी वो समझते हैं घर से आ रहा है और मैं यहाँ खा रहा हूँ और फिस्ट मना रहा हूँ सबके साथ, तो ये ठीक नहीं है। वैराग्य प्रधान, चैतन्य महाप्रभु रे भक्त वृंदे वैराग्य प्रधान, यह देखी प्रसन्न होना गौरव भगवान, समथिंग लाइक दैट। तो वैराग्य प्रधान है वैष्णव, चैतन्य महाप्रभु के भक्त वृंद में वैराग्य प्रधान है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं विषय अन्न खाई ले दुष्ट है मन, तो विषय का अन्न नहीं चाहिए, तो उनने ये बंद कर दिया, पिताजी बेचते थे वो सारा बंद कर दिया, और सिंहद्वार पर जाके वो भीख मांगना शुरू किया हर रोज, कि जितना चाहिए इतना भीख मांग लेते थे। तो हर रोज भीख मांगने जाते थे, तो सोचते थे सिंहद्वार पर ये मुझे देगा और ये मुझे नहीं देगा, और ये अच्छा है ये बुरा है ये वो। तो रघुनाथ दास को हुआ कि ये भी ठीक नहीं है, वैश्या जैसा मेरा काम है, वैश्या कि ये देगा ये नहीं देगा, तो वो भी छोड़ दिया। और वैराग्य प्रधान था, तो
पिछले दरवाजे जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, उसके पीछे कूड़ा, बड़ा कूड़ा का प्लेस, जगह थे जहाँ जगन्नाथ जी का प्रसाद स्टेल, जो 3-4 दिन का राइस भात प्रसाद जो दुर्गंध मारता था, तो वो वहाँ फेंक देते थे। तो जब फेंक देते थे तो गाय भी उनको खाती नहीं थी। तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी वो राइस प्रसाद, भात प्रसाद अपनी कुटिया में ले जाते, सागर में उनको धोते और सन सूर्य के तेज में उनको सुखा देते, और बाद में वो हर रोज राइस का प्रसाद खाते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से पूछा, क्या अभी वो घर से नहीं आता, सिंहद्वार माँ के खाते थे, अभी कैसे खाते हैं? तो स्वरूप दामोदर कहते हैं कि क्या खाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी कुटिया में जाते हैं कि रघुनाथ आप हर रोज इतनी बड़ी फीस्ट करते हो और हमें वंचित रखते हो करके, वो राइस जो सुखाए होते वो चैतन्य महाप्रभु खाने लगते हैं। वैराग्य प्रधान रघुनाथ दास गोस्वामी में इतना वैराग्य प्रधान। बाद में जब वृंदावन में आए तो छास, हर रोज छास ग्रहण करते थे, और उनका भी वृत्तांत बहुत अच्छा है। और बाद में छास ग्रहण मैं पढ़ूंगा। खासा वस्तु खाओ सबे मुरना देह के ने, एता बलि एक ग्रास करीला भक्षणे, आर ग्रास लहिते स्वरूप हाते ते धरीला, तव योग्य नहीं बलि बले ये काड़ी नीला। चैतन्य महाप्रभु ने राय से इसी तरह